Welcome to management concepts in this video we'll discuss about henry fayol so is henry fayol and is popularly known for his 14 principles of management henry fayol was born in 1841 after completion of his degree in mining engineering in 1860 he started working as engineer in coal mining company he suggested his general theory of administration which was quite independent and different approach than that of Taylor. In 1916, he published a book on general and industrial administration to include all theoretical principles of administration. Henry Foyle became famous as father of management studies and thoughts. His contribution can be summarized into four parts: categorization of all business activities. evolution of managerial qualities necessary for managers, suggestion of 14 principles of management, identification of functions of management. अगर हम हेनरी फाइल का काम डिस्कस करें तो हम चार पार्ट में उसको डिस्कस कर सकते फर्स्ट वन उन्होंने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको कैटेगराइज किया हम देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरीज है आफ्टर दैट मैनेजरल क्वालिटीज़ जो है एक मैनेजर में जो मैनेजर बनने के लिए क्वालिटीज़ लगती है उनको भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया देन ही सजेस्टेड फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने चौदह अलग अलग प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए जो मैनेजमेंट ने करने चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि मैनेजमेंट के काम क्या होते हैं तो हम देखेंगे एग्जैक्टली exactly इसके काम कैसे हैं कैटेगराइजेशन ऑफ ऑल बिज़नेस एक्टिविटीज़ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हेनरी फायल ने जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको कैटेगराइज़ किया तो वेरी फर्स्ट इज टेक्निकल इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन सेकेंड इज कमर्शियल इट इज़ रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ फंक्शंस थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल इट इज़ रिलेटेड टू ऑप्टिम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल्स पैसा फोर्थ वन इज़ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफ मैन एंड रिसोर्सेज जो भी एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर जो भी रिसोर्स है जैसे बिल्डिंग है फर्नीचर है जो भी क्या, उनका एसेट्स है उनका सिक्योरिटी नेक्स्ट इज अकाउंटिंग इट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट इज मैनेजरियल दिस फंक्शन इज प्योरली रिलेटेड टू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कॉर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एक्सेट्रा हम देखेंगे आगे फंक्शन कौन से होते हैं सेकेंड इज मैनेजरियल क्वालिटीज जब एम्प्लॉयज़ मैनेजर बन जाता है तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ऐसा हैनरी फॉयल का मानना था वॉट ही आइडेंटिफाइड वॉट शुड बी द क्वालिटीज सो वेरी फर्स्ट इज फिजिकल इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉयज सेकेंड इज़ मेंटल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड एडोप्ट जो मैनेजर है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए अंडरस्टैंड करने की बाकी लोगों को एनालाइज करने की एंड एक्सेट्रा देन मॉरल दिस इज़ रिलेटेड टू एनर्जी फिटनेस विलिंगनेस टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सेट्रा उनका मानना यह था कि जो भी मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए तैयार होने चाहिए हमेशा नेक्स्ट इज एजुकेशनल जनरल एक्वेंटेंस विथ कॉमन मैटर्स एजुकेशनल इज रिलेटेड टू द डिग्री डिप्लोमा एंड ऑल दी नेसेसरी एजुकेशनल नॉलेज नेक्स्ट इज टेक्निकल नॉलेज अबाउट द बिजनेस एंड फंक्शंस एट शॉप लेवल दिस टेक्निकल एस्पेक्ट इज़ मोर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज कि बिजनेस चलता है कैसे एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर पे काम कैसे होता है ये भी उनको पता होना चाहिए एंड लास्ट इज एक्सपीरियंस एक्वाइड थ्रू एक्सपेशलाइज वर्क उनका मानना ये था कि किसी नए एम्प्लॉयज को डायरेक्टली मैनेजर पोजिशन पर हमें नहीं बिठाना चाहिए उनको ग्राउंड लेवल पर जो काम होते उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके वो एज ए मैनेजर अच्छा काम कर सकते हैं फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फायल तो उन्होंने ये बहुत ही उन ये जो काम है इसके लिए वो बहुत जाने जाते हैं उन्होंने अलग अलग चौदह प्रिंसिपल्स दिए जो मैनेजमेंट ने करने चाहिए सो वेरी फर्स्ट इज डिविजन ऑफ वर्क अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसिप्लिन यूनिटी ऑफ कमांड सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इक्विटी स्पिरिट दी कॉप्स यूनिटी ऑफ डरेक्शन स्केलर चेन स्टेबिलिटी रेमिनरेशन, ऑर्डर इनिशिएटिव एंड सेंट्रलाइजेशन अब ये कैसे ध्यान में रखोगे ये चौदह प्रिंसिपल्स तो दिए हैं तो इसको ध्यान में रखने के लिए ट्रिक यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा एक बार ध्यान से देखो ये है क्या तो हुआ ऐसे कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा क्या है कि एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि डैड यू सी यूएसएसआर यूएसएसआर मतलब जो सोवियत रशिया था रशिया को पहले यूएसएसआर बोला जाता तो, तो बच्चा क्या पूछ रहा है डैड से डैट यू सी यू एस एस आर और डैट रिप्लाई कर रहे ओ आई सी मतलब हाँ मैंने देखा है अब अगर आप ये एक्रोनीम देखोगे डी ए डी यू एस डबल ई यू एस एस आर ओ आई सी तो ये चौदह प्रिंसिपल्स के एक्रोनिम है एक मतलब पहला वर्ड तो इस तरीके से आप ये ये ध्यान में रख सकते हो कि डी फॉर डिविजन ऑफ वर्क ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइक वाइज

एम्प्लॉयज़ को हमें वो करने देना चाहिए इससे जब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होता है तो आउटपुट भी एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज होता है नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज़ द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑप्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑन टाइम मैनेजर्स मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर्स एंड अथॉरिटी गिव्स देम दिस राइट उनका मानना ये था कि मैनेजर्स को अथॉरिटी होनी चाहिए ऑर्डर्स देने के लिए जो एम्प्लॉयज से उनको काम करवाना है उनको नेक्स्ट इज डिसिप्लिन एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशन गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप उनका मानना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एम्प्लॉयज़ को हर एक ऑर्डर्स जो उनके हायर अथॉरिटीज ने दिया है उनको वो फॉलो करना पड़ेगा और एक गुड डिसिप्लिन कब मेंटेन रहेगा तो ये पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इफ़ेक्टिव लीडरशिप पे डिपेंड है कि अगर आपका लीडर अच्छा है तो वहाँ पे डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन रहेगा यूनिटी ऑफ कमांड

should not take precedence over the interests of organization as a whole। उनको यहाँ पे ये बोलना है कि किसी एक एम्प्लॉय का या किसी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर नहीं होगा इक्विटी मैनेजर्स शुड बी काइंड एंड फेयर टू देर सबॉर्डिनेट इट क्रिएट्स फ्रेंडली एटमोसफियर बिटवीन सुपेरियर एंड सबॉर्डिनेट्स मैनेजर्स को उनके सबॉर्डिनेट्स के साथ उनके एम्प्लॉय के साथ हमेशा काइंड और फेयर बिहेवियर रखना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि मैनेजर्स कुछ लोगों को ज्यादा फेवर करते हैं कुछ लोगों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते हैं तो यहाँ पे वो पार्शलिटी काइंड ऑफ बिहेवियर उनका दिखता है हेनरी uh, फाइल बोल रहा है कि ये इक्विटी से ट्रीट करना नहीं हुआ उन हमें हर एक एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा फिर इट दी कॉप्स स्पिरिट दॉप्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ प्रमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मोनी एंड यूनिटी विद इन दर्गेनाइजेशन हैनरी फैल बोल रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल वर्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीम वर्क वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी यूनिटी ऑफ डिरेक्शन ईच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज दट हैव द सेम ऑब्जेक्टिव शुड बी डिरेक्टेड बाई वन मैनेजर यूजिंग वन प्लान फॉर अचीवमेंट ऑफ वन कॉमन गोल द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्कर्स यूनिट ऑफ डायरेक्शन में उन्होंने ये बोला है कि अगर एक मैनेजर एक एम्प्लॉयज को डायरेक्शन दे रहा है कुछ काम बता रहा है तो उसने एक ही डायरेक्शन में उसको काम बताना चाहिए ऐसा नहीं है कि कल किसी कुछ और बात उनको बोली थी आज बोल रहे कि वो काम छोड़ दो ये वाला करो परसों बोलेंगे ये भी छोड़ दो ये वाला करो तो यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैनेजर्स एम्प्लॉयज को काम करने के लिए बोल रहा है तो ये गलत चीज़ है उनको बोलना है कि यूनिटी रहनी चाहिए डायरेक्शन में केलर चेन द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक रिप्रेजेंट दिस केलर चेन कम्युनिकेशन शुड फॉलो दिस चेन हेनरी फेल को ये बोलना है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर हैरान होती है प्रॉपर चेन होती है जिसको हम कम्युनिकेशन चेन भी बोल सकते हैं तो अगर आप इस डायग्राम में यहाँ पे देखोगे तो ए बी सी डी ई एफ जी तो यहाँ पे जो सिक्वेंस दिख रहा है तो ए सबसे ऊपर है ए सभी का बॉस है और इसमें आप ऐसे समझ सकते हो कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल बी सी डी एच आर डिपार्टमेंट के लोग है और ई एफ जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उनको ये बोलना था कि अगर डी को जी के साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो पहले डी ने सी को बताना चाहिए सी बी को बताएंगे बी ए को ए से इंफॉर्मेशन जाएंगी ई e के पास ई e से वो ट्रांसफर होंगी एफ के पास और फाइनली एफ बताएंगा जी को तो आइडियली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए ऐसा हेनरी फॉल ने बोला था लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक शॉर्टकट तरीका भी बताया है मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी कंडीशन आ गई है वहां पे और एक्सेप्शन हो सकते हैं कि हायर अथॉरिटीज अवेलेबल नहीं है या ऐसी इंफॉर्मेशन है कि जहाँ पे उस इंसान के पास इंफॉर्मेशन बहुत जल्द वहां पे उनको पहुंचने चाहिए उनके पास टाइम नहीं है बाकी लोगों को बताने के लिए ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में ही ये जो चेन है स्केलर चेन ये ब्रेक हो सकती है ब्रेक कर सकता है एम्प्लॉयज और अगर डी को इंफॉर्मेशन देनी है जी को तो डी डायरेक्टली जी को इंफॉर्मेशन देगा बाकी लोगों को बाईपास करके और इस चीज को उन्होंने उन्होंने कहा है गैंग प्लान लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखने के लिए उन्होंने बोला है कि ये शॉर्टकट ये गैंग प्लान सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज होने चाहिए स्टेबिलिटी हाई एम्प्लॉय टर्न ओवर इज इनफिशेंट मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड एंश्योर दैट रिप्लेसमेंट्स आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज़ एम्प्लॉय टर्न का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितना एम्प्लॉय टर्न कम होगा उतने एम्प्लॉयज़ वहाँ पर ज़्यादा दिन तक रुकेंगे तो उन्होंने ये बोला कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के भी जा रहा है तो उसकी जगह फिल करने के लिए आपके पास पहले से एम्प्लॉयज़ रेडी रहने चाहिए रेमोनोरेशन ऑल वर्कर्स मस्ट बी पेड ए फेयर वेज फॉर देयर सर्विसेज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज है वो मेन रीज़न उनका होता है ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस करने का कि उनको सैलरी मिले फेयर वेज मिले तो हेनरी फैल बोल रहे हैं कि उनको वेजेज सैलरी तो हम देते ही है बट वो फेयर होनी चाहिए मतलब जितना वो काम करे प्रोपोर्शनेटली हमें उनको पेमेंट देना पड़ेगा ऑर्डर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कंसर्न विद सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन मशीन मटेरियल एक्सेट्रा देर शुड बी ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन पीपल एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम उन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए जहाँ पर हर एक प्लेस एम्प्लॉयज़ का फिक्स होगा या हर एक मशीनरी का एक प्लेस फिक्स होगा ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय कल आके एक्स कैबिन में बैठा था परसों आके वाई में बैठेगा और उसके बाद वो किसी और जगह पर बैठेगा तो दि शुड नॉट बी लाइक दैट दी ऑल अरेंजमेंट शुड बी सिस्टमैटिक इन नेचर इनिशिएटिव एम्प्लॉयज हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान्स विल एग्जिट हाई लेवल ऑफ इफोर्ट्स उनको ये बोलना है कि अगर एम्प्लॉयज को आपने अलाउ किया उनके थॉट्स या उनके आइडियाज शेयर करने के लिए तो वो ज्यादा इफोर्ट्स लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन एंड डिस इजेशन रेफर्स टू द डिग्री टू विच सबॉर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंगइजेशन शुड बी पार्टली सेंट्रलाइज एंड पार्टली डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइजेशन एंडेंट्रलाइजेशन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एम्प्लॉय या एक बॉस या एक पर्सन सभी डिसीजन ले रहा है तो उसे हम सेंट्रलाइज बोलेंगे जो पहला यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है वहाँ पे देखो सभी डॉट्स एक ही डॉट से कनेक्टेड है मतलब जो सेंट्र वाला है वही सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा है एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज नथिंग बट जब जो काम है डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है वो डिवाइड कर दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं फैल का बोलना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों तरीकों का मतलब सेंट्रलाइज का भी और डिसेंट्रलाइजेशन का भी बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन रहनी चाहिए उनको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेरी फर्स्ट इज प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कंट्रोलिंग एंड प्रेडिक्टिंग तो फायल ने यह भी बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं और उन्होंने सभी फंक्शंस को पांच अलग अलग फंक्शंस में कैटेगराइज किया है तो ये पांचों के पांचों फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज भी हम इसको यूज करते हैं हमारे डेली ऑर्गेनाइजेशन के रनिंग के लिए और ये पूरे फंक्शंस एक अलग वीडियो में इन डिटेल डिस्कस किए गए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो आप उसको भी देख लेना थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए और ऐसे ही वीडियोस और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो लिंकड इन पर ज्वाइन कर सकते हो आप हमें ई भी भेज सकते हो और आप हमारे वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो Thank you. Thank you very much.